इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के फर्स्ट पोयम के फर्स्ट सेक्शन यानी कि फर्स्ट पार्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने प्रोज यानी कि जो रीडर होता है वो आपने नहीं पढ़ा है या आपको ठीक से याद नहीं है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप प्रोज से रिलेटेड चैप्टर्स देख सकते हो। उसमें मैंने आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया है। आप ऊपर दिए गए एरो पे जो आपको अभी दिख रहा है उस पर आप क्लिक करोगे, आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम इस चैप्टर पे, इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और साथ में ज़रूर किताब, पेंसिल या रफ जरूर रख लें। किताब आप जरूर रखें और पेंसिल या पेन कॉपी जरूर रख लें, क्योंकि कुछ वर्ड मीनिंग मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जानने के लिए। चलिए देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है द माउंटेन एंड द स्क्विरल। इसको लिखा है रैप वाल्डो एमर्सन ने लिखा है और ये आपके पोइट्री का फर्स्ट लेसन है। और हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे द माउंटेन से लेकर मेक अप अ ईयर तक। आप जब बुक में देखिएगा वो पता चल जाएगा कि मैं कहाँ तक इसमें बताऊँगा। द माउंटेन से लेकर मेक अप अ ईयर तक बताऊँगा। तो इसमें कुछ वर्ड्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वारल, देखिए स्क्वारल मतलब होता है गिलहरी, यहाँ क्वारल मतलब होता है लड़ाई या झगड़ा। फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, पुराना, तो बोलते हैं ना फॉर्मर कैप्टन पुराना कैप्टन वही। होता है कॉल्ड, कॉल मतलब होता है बुलाया, कॉल मतलब क्या होता है बुलाया। लिटिल मतलब क्या होता है थोड़ा, लिटिल मतलब थोड़ा यानी कि छोटा या थोड़ा। प्रिग मतलब होता है घमंडी व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति या घमंडी व्यक्ति बोलते हैं। फिर बन मतलब होता है गिलहरी। रिप्लाइड मतलब होता है उत्तर दिया, कोई आप क्वेश्चन पूछते हो उसका रिप्लाई जब आता है या आप सिंपल बात कर रहे हो उसका रिप्लाई आता है तो उसको उत्तर दिया कहते हैं। डाउटलेस मतलब, डाउट मतलब क्या होता है संदेह, और लेस मतलब नहीं, मतलब संदेह निसंदेह। वेरी मतलब बहुत, शॉर्ट ऑफ थिंग मतलब चीज़ों के प्रकार। देखो शॉर्ट नहीं लिखा है, शॉर्ट लिखा है स, तो शॉर्ट मत बोलिएगा, इसको शॉर्ट बोलिएगा। शॉर्ट ऑफ थिंग्स मतलब चीज़ों के प्रकार, अलग अलग प्रकार के। वेदर मतलब मौसम, मस्ट मतलब जरूर, टेकन मतलब ग्रहण किया हुआ, टुगेदर मतलब होता है साथ में, और मेकअप मतलब होता है इकट्ठा करना। या आपको पता है मेकअप मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को जब मेक बनाते हो, जैसे मेकअप जनरली मेल फीमेल सब लोग करते हैं तो उस मेकअप को भी आप कर सकते हो, और नॉर्मली मेकअप मतलब होता है इकट्ठा करना। तो ये सब वर्ड अभी हम देखेंगे चैप्टर में और इससे हमें ज़्यादा आसानी होगी चैप्टर को समझने में। जरूर कुछ कुछ वर्ड आप नोट कर लीजिए, जो आपको नहीं पता है वो नोट करिए, जो आपको पता है वो हम देखेंगे आप डायरेक्ट चैप्टर पे। चलिए देखते हैं पोयम। तो बच्चों चलिए देखते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है द माउंटेन एंड द स्क्विरल। जैसा आपको पता है इसको लिखा है रैल्फ वाल्डो एमर्सन। तो अबाउट द पोएट यानी कि हम रैल्फ वाल्डो एमर्सन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। तो मैंने जो अंडरलाइन किया है वो इनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी की तरह नहीं है कि आपको एग्जाम में आपको किसी पोएट या राइटर के बारे में लिखना हो, नहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो वो है रैल्फ वाल्डो एमर्सन, जो 1803 में पैदा हुए थे, 1803 में, और 1882 में एक्सपायर हुए थे, वो डेड हुए थे। तो वॉज एन अमेरिकन पोएट, तो ये कौन थे, एक अमेरिकन पोएट थे, राइटर एंड मोरलिस्ट ऑफ 19th century। 19th century किसे कहते हैं, जो 1801 से स्टार्ट हुआ था और 1899 पे ख़त्म हुआ, उस पूरे ना एक 100 साल को हम 19th century बोलेंगे। जैसे ये 21st century चल रहा है तो ये कब तक चलेगा, ये चलेगा आपका 2099 तक, ठीक है, वहाँ तक चलेगा ये पूरा सेंचुरी। तो अब हम जानते हैं क्या लिखा है। राल्फ वाल्डो एमर्सन वॉज एन अमेरिकन पोएट राइटर एंड द मॉडलिस्ट ऑफ 19th century। 19th century के समय ये जो राल्फ वाल्डो एमर्सन है वो अमेरिकन पोएट थे, राइटर भी थे और एक मॉरलिस्ट, मॉरलिस्ट मतलब जो समाज के लिए काम कर सकते हैं उनको लिए बोलते हैं। हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन 12 वॉल्यूम्स इन 1903 1904।
उनके काम जो थे वो पब्लिश हुए, मतलब उनके एक्सपायर होने के बाद पब्लिश हुए, या बोल सकते हैं उनके डेथ होने के बाद पब्लिश हुए। और ये 12 वॉल्यूम समझते हो, 12 बुक्स एक तरीके से, ठीक है। वॉल्यूम मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ का इकट्ठा होके हम जब उसको पब्लिश करते हैं बुक्स से रिलेटेड, तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो 12 वॉल्यूम मतलब एक तरीके से 12 बुक इनकी निकली थी उस समय। फिर लिखा एमर्सन वॉज बॉर्न इन बस्टन ऑन May 25, 1803। तो एमर्सन जो थे वो बॉर्न हुए थे, बस्टन एक शहर का नाम है जो अमेरिका में है, सॉरी 25 मई को। और इन 1829 ही बिकेम मिनिस्टर ऑफ द सेकेंड चर्च ऑफ बस्टन। बस्टन में पहले क्या होता था, चर्च पे ज़्यादा फोकस होता था, तो वहाँ की ये सेकेंड, मतलब सेकेंड मिनिस्टर बने। मिनिस्टर फर्स्ट होता है फिर सेकेंड होता है, तो वो ये बने। फिर लिखा है इन 1846 हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम वॉज पब्लिश्ड, डेट हाउवर 1847। मतलब कि पहली इनकी जो पोएम थी वो पब्लिश हुई थी 1846 में, पर उसे कई जगह लिखा जाता है 1847, मतलब कंफर्म नहीं है कि 46 की 47, तो वो लिखा हुआ है। हो सकता है उन्होंने 46 में लिखा हो और 1847 में ये पब्लिश हुआ हो। पब्लिश होना मतलब कि वो प्रिंट हुआ होगा, प्रिंट होकर फिर लोगों के सामने आया होगा। फिर लिखा है द कंडक्ट ऑफ लाइफ 1860 वॉज द फर्स्ट ऑफ हिज बुक टू एंजॉय इमीडिएट पॉपुलैरिटी। उनसे पहले उन्होंने जो बुक लिखी थी वो उतना पॉपुलर नहीं हुई थी जितना पॉपुलर उनकी द कंडक्ट ऑफ लाइफ एक बुक थी जो 1860 में उन्होंने लिखी थी, वो ज़्यादा इमीडिएट तुरंत पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि बहुत जल्दी मार्केट में ऐसे ही वैसे ये कुछ ही दिनों में पॉपुलर हो गई। इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम ऑफ एसे आर पावर वेल्थ फेट एंड कल्चर। इससे इंक्लूड होकर उन्होंने जो वॉल्यूम लिखी, जो बुक्स लिखी, उसमें उन्होंने पावर के बारे में बताया, वेल्थ स्वास्थ्य के बारे में बताया, फेट भविष्य मतलब सॉरी भाग्य के बारे में बताया, एंड कल्चर और संस्कार या एक तरीके से संस्कृति के बारे में उन्होंने बात की। किसमें? अपने जो भी उन्होंने दूसरी वॉल्यूम लिखी या उसी वॉल्यूम से एडिट करके, ठीक है। फिर लास्ट में उनका जो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, हिज वर्क ऑल्सो इंक्लूड लेटर्स एंड सोशल एम। मतलब जो उन्होंने काम किया वो और उन्होंने काम किया था इंक्लूड लेटर्स एंड सोशल एम पे भी उन्होंने एक ऐसे या एक बुक लिखी थी 1876 में, एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्ट। और उन्होंने एक और ऐसे बोल सकते हो या एक वॉल्यूम एक किताब उन्होंने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्ट 1893 में। एमर्सन डाइड इन कॉनकॉर्ड ऑन April 27, 1882। आप सोचोगे उनकी मृत्यु कॉनकॉर्ड नाम की एक शहर में हुई थी और अप्रैल 27, 1882 में हुई थी। अब बोलोगे वो तो मर गए पहले ही, तो 93 में कैसे पब्लिश हो गया? हुआ ये होगा कि वो उन्होंने पहली बुक लिख ली होगी लेकिन पब्लिश बाद में हुई है। ऐसे कई बार होता है, कई राइटर होते हैं जो बुक लिख ले रहते हैं लेकिन पब्लिश नहीं होती, फिर उनकी मृत्यु के बाद कोई पब्लिश करवाता है या उन्होंने ऑर्डर दिया होता है बाद में प्रिंट होता है, तो ऐसा कभी कभी होता है। तो ये है अबाउट द पोएट। अब जानेंगे हम अबाउट द पोएम, मतलब कविता के बारे में, और ये कविता आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा, ठीक है। देखते हैं पोएम में क्या है। लिखा है अबाउट द पोएम, क्या लिखा है, सॉरी बस, दिस पोएम इज अ डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। डायलॉग मतलब होता है बातचीत एक तरीके से, तो ये बातचीत है एक माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में जो कल्पना किया है पोएट ने। द माउंटेन इज अ प्राउड ऑफ इट्स टावरिंग बिगनेस। जो माउंटेन है वो अपने जो टावरिंग मतलब जो लंबा सा है, माउंटेन बड़ा होता है, जो बड़ा सा है और बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिगनेस मतलब बड़ा होने का भाव, तो बड़ा होने का जो भाव उसके अंदर है वो उससे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है, गर्व फील करता है। एंड लुक डाउन अपॉन द स्क्वायरल, और सॉरी स्क्वायरल को जो है वो नीचे झुक के देखता है, यानी कि उसको नीचा दिखाता है या एक तरीके से उसको नीचे समझता है, वो छोटा है या छोटी है। द स्क्वायरल जस्टिफाइड इट्स एग्जिस्टेंस। जो स्क्वायरल है इस पोएम में अपनी एग्जिस्टेंस, अपना कि वो उपस्थित है, वो भी कुछ है ये बताता है, ये बताती है स्क्वायरल। यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है कि स्क्वायरल मेल है कि फीमेल। फिर लिखा इट सेज दैट गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इन अ वेरी
ऑर्डरली वे आफ्टर अ गुड डील ऑफ थिंकिंग ऑल बिग और स्मॉल। देखिए फिर से समझा दे रहा हूँ। इट सेज, उसने कहा, किसने, गिलहरी ने कहा, इट सेज दैट गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, कि भगवान ने ये यूनिवर्स बनाई है, इन अ वेरी ऑर्डरली वे, मतलब एक ऑर्डर में उन्होंने ये दुनिया बनाई है, आफ्टर अ गुड डील ऑफ थिंकिंग, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये दुनिया बड़े ही क्रम से बनाई है, ऑल बिग और स्मॉल, सब बड़े या छोटे, रिच और पुअर, गरीब या अमीर या गरीब, रिच मतलब अमीर और पुअर मतलब गरीब, अमीर या गरीब, हैव अ डिस्टिंक्ट क्वालिटी, सबके पास अपनी खुद की डिस्टिंक्ट यानी कि अलग क्वालिटी होती है, अलग गुण होते हैं, एंड डेफिनेट प्लेस, एंड डेफिनेट प्लेस, और उनके पास खुद का अलग प्लेस होता है, प्लेस मतलब जगह जहाँ पे वो काम अपना करते हैं या जहाँ पे उनका एक तरीके से काम होता है। नन इज सुपीरियर नो और इंफीरियर, ना ही कोई सुपीरियर है, ना ही कोई बड़ा है, ना ही कोई छोटा है, इंफीरियर मतलब होता है छोटा और सुपीरियर मतलब होता है बड़ा, तो कोई ना तो बड़ा है ना तो कोई छोटा है। नन शुड बी कंसीडर्ड एज वीक और यूजलेस, कोई भी इस तरीके से कंसीडर मतलब इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि वह कमजोर है, लेना चाहिए करने मतलब एक मान लेना चाहिए, ऐसे हम नहीं मान सकते कि कोई कमजोर है, सीधी बात है, एक चींटी जिसे हम कमजोर समझते हैं वो जब हमारे कान में घुस जाती है तो क्या कर सकती है, सोचो एक चींटी जब किसी हाथी के कान में घुसती है तो क्या कर सकती है, उसको पागल कर सकती है, उसको मार सकती है, तो हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये इस पोएम में हमें सीखने को मिलेगा। और यूजलेस, वीक और यूजलेस, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि किसी काम का नहीं है, हो सकता है किसी काम का हो, ठीक है, जैसे घर पे पड़ी पुरानी लकड़ी कभी ना कभी आग जलाने काम आती है, तो वैसे ही हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। कूड़ा, कूड़ा का यूज़ हम कर सकते हैं रिसाइकल में जाएगा, और जो केले के छिलके होते हैं या आम छिलके होते हैं फ्रूट के, वो हम फेंक देते हैं, उससे खाद बनता है सॉरी, तो हर एक चीज़ का यूज़ है, यहाँ पे इस पोएम में हमें ये समझाया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, ये तो हो गया, अब चलते हैं हम डायरेक्ट पोएम पे, तो देखते हैं लाइन, द माउंटेन से हम पहले पढ़ेंगे, द माउंटेन से द पिक तक फिर आगे लिखा है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, तो ये पोएम है, इसको राइमिंग साथ पढ़ना है, तो बोल सकते हैं द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, यानी कि इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि जो पहाड़ था और जो गिलहरी थी उसके बीच में एक बार झड़प हो गई, झगड़ा हो गया, मारपीट वाला नहीं, सिंपल झगड़ा, बोल के झगड़ा वो स्टार्ट हो गया या वो हुआ, एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, जो मतलब, और जो फॉर्मर था, यानी कि देखो यहाँ फॉर्मर मतलब होता है हिंदी धर्म, समझो फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व मतलब पुराना, और लेटर मतलब होता है बाद में, ठीक है, मतलब दादा आपके फॉर्मर हुए और आप क्या हो गए, लेटर हुए, तो सॉरी यहाँ पे जो फॉर्मर मतलब है, फॉर्मर मतलब यहाँ पे है कि पहाड़ जो बहुत पहले बन गया होगा, और लेटर मतलब गिलहरी जो बाद में आई, तो इस लाइन में हमेशा समझिएगा कि फॉर्मर मतलब यहाँ पहाड़ को कहा गया है, और लेटर LATTER जो लेटर लिखा है वो कहा गया है गिलहरी को। अब समझते हैं, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, जो माउंटेन था पहाड़ और जो गिलहरी थी उसके बीच में एक बार झड़प हो गई, झगड़ा हो गया, एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिग, तो जो फॉर्मर मतलब पहाड़ जो था उसने गिलहरी से कहा लिटिल प्रिग मतलब तुम एक तुच्छ प्राणी हो, इसका दो अर्थ होता है, लिटिल प्रिग मतलब होता है तुच्छ प्राणी, और एक और मतलब होता है इसका कि एक जो अपने में संतुष्ट होता है, तो इसके दो अर्थ हैं, एक होता है तुच्छ प्राणी मतलब छोटा आदमी, और एक होता है कि जो अपने में ही संतुष्ट है, कुछ और नहीं करना चाहता, अपने में ही संतुष्ट है, तो यहाँ जो पहाड़ है उसने गिलहरी से कहा कि तुम एक तुच्छ प्राणी हो, क्यों कहा, क्योंकि पहाड़ अपने आप को गर्व महसूस करता था, बोलता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ और गिलहरी छोटी है, इसलिए उसको नीचा दिखाना चाहता था। अब आगे चलते हैं, लिखा है बन रिप्लाइड, तो बन रिप्लाइड से हम देखेंगे और यहाँ तक हम पढ़ेंगे ईयर तक, ठीक है, तो लिखा है बन रिप्लाइड, बन ने जवाब दिया, बन किसको कहेंगे, बन कहेंगे गिलहरी को, यहाँ बन मतलब गिलहरी है, तो गिलहरी ने जवाब दिया, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग,
ये निसंदेह है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम सबसे बड़े हो। डाउट मतलब होता है संदेह और लेस मतलब नहीं, तो डाउटलेस मतलब निसंदेह। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, ध्यान दीजिएगा ये शॉर्ट नहीं लिखा है, एस एच ओ आर टी एस नहीं लिखा है, ये एस ओ लिखा है, तो इसको स पढ़िएगा, श नहीं। तो इसको बोलते हैं बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, मतलब ये गिलहरी उदाहरण दे रही है कि भाई तुम हो बहुत बड़े पर सभी चीज़ें मिलाकर, सभी प्रकार की चीज़ें मिलाकर और मौसम को मिलाकर, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, मतलब इसका मतलब है सभी चीज़ों को पूरी तरीके से मिलाकर, टू मेक अप ईयर, मतलब एक साल जो बनता है वो सभी चीज़ों को मिलाकर और मौसम को मिलाकर बनता है। जो साल है वो किसी एक चीज़ से नहीं बनता है। तो यहाँ गिलहरी समझाना चाह रही है कि जो तुम बहुत बड़े हो वो सिर्फ तुम अकेले बड़े नहीं हो, ये संसार जो है वो तुम्हारे लिए नहीं चलता है, तुम सबसे बड़े हो तो तुम्हारे से नहीं चलता है, सबसे चलता है। जिस तरह एक साल जो होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, मौसम होते हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, तब जाके उसको हम साल कहते हैं, उसी प्रकार से जो संसार है, ये संसार में तुम सबसे बड़े जो अपने आप को बता रहे हो तो तुम ही सब कुछ नहीं हो, यहाँ और भी चीज़ें हैं जो सब मिलकर एक संसार बनाती हैं। तो ये उदाहरण समझाना चाह रही थी गिलहरी, किसको, यहाँ देखो जेंडर क्लियर नहीं है तो मैं इसको फीमेल मान ले रहा हूँ गिलहरी को। गिलहरी समझाना चाह रही थी माउंटेन को, भाई तुम क्या हो, तुम अकेले नहीं हो जो संसार में सबसे बड़े हो और सबसे अच्छे हो, या तुम ही संसार को चलाते हो। जिस तरीके से जो साल होता है, ईयर होता है, वो कई चीज़ें मिलकर और मौसम मिलकर बनते हैं, उसी प्रकार संसार भी क्या कई चीज़ें मिलकर बनती हैं। मैं बाबा इसको दो बार रिपीट किया हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, एक बार रिपीट करता हूँ फिर से। क्या लिखा है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में एक झगड़ा हुआ, एक बहस हुई, एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर, और जो पहाड़ था उसने गिलहरी से कहा, लिटिल प्रिक तुच्छ प्राणी, बन रिप्लाइड, बन ने जवाब दिया। ये देखो ये पोएट का कल्पना है, ठीक है, जनरली पहाड़ नहीं बोलता है लेकिन यहाँ पोएट की कल्पना है। बट बन रिप्लाइड, पर जो गिलहरी थी उसने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, ये कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम सबसे बड़े हो या तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, पर सभी प्रकार की वस्तुएं या चीज़ें और मौसम मिलकर, देखो मस्ट बी टेकन इन टूगेदर मतलब होता है सभी चीज़ों को जरूर से मिलाकर या मिलाकर ही, टू मेक अप ईयर, साल जो होता है वो सभी चीज़ों को मिलाकर ही बनता है, ये यहाँ पे पोएट समझाना चाह रहे हैं। ये उदाहरण देकर गिलहरी ये कहना चाह रही है कि जो संसार है वो सिर्फ तुमसे नहीं चलता है, ये बाकी सब चीज़ों से भी चलता है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आया है समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अगर उन्होंने कभी ध्यान से इसको ध्यान से समझा नहीं तो। और साथ में अगर आपको कोई डाउट लग रहा है या कोई आपको अच्छा भी लग रहा है वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सलाह दें। सो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की भी जानकारी मिल जाएगी। सो एट लास्ट, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।